Good morning, students. I hope all of you are fine and just waiting for the school to reopen. You can see I am wearing the mask because of this pandemic. The school misses you a lot. Good morning to all the parents also. Sadar Vande, Namaskar. आज मैं आपसे बस यही बोल बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे सुपर हेल्दी होने चाहिए और आज के जो सभी माता पिता हैं वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी रहें और किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहें और उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये हर माता पिता की आज चिंता है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑल्सो ये मेरी चिंता है कि जो भी बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं या कोई भी बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, ताकि अगर कोई भी उनको पहले तो उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो वो उससे बहुत उनको माइल्ड हो और वो बहुत जल्दी उससे निकल जाए। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। हालाँकि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बट मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसमें यही आता है कि इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करें, और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी जब आपकी डाइट, आपके बच्चे की डाइट बहुत अच्छी होगी। उसमें हम बहुत सारे विटामिन्स इंक्लूड करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे विटामिन्स के कैप्सूल्स भी आते हैं जिनको खा के हम सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बट मेरा ये कहना है कि सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और पर वो नेचुरल तरीके से अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज करें और टैबलेट्स कम से कम खाएं। वो कैसे हो सकता है? जब आपकी डाइट अच्छा खान पान करें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। सभी बच्चों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी डाइट में, अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। जब वो बहुत अच्छे से इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते हैं तो उनका विटामिन सी अच्छा होता है, विटामिन जो इंक्रीज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं जाते हैं। तो इन चीज़ों को, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीजनल हमें मिलते हैं, उनको हमें रेगुलर वे में यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चाहे हम खाएं, इससे हमारे जो हैं वाइट ब्लड सेल्स वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन अच्छा काम करता है, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दांत भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगी, जैसे हम कहते हैं विटामिन सी बहुत खाना चाहिए, उसमें हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट है, पपीता है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर खाएंगे तो पपीते में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा हमें विटामिन सी मिलता है। उसके अलावा चाहे मौसमी हो, संतरा हो, नींबू हो, उनको हम बहुत अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारा विटामिन सी इंक्रीज होता है। और अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो सभी बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है और आलू में बहुत विटामिन सी होता है, उनको प्रॉपर तरीके से खिला सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम आगे जाएं तो है विटामिन ए। विटामिन ए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे आइज़ के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए किस वेजिटेबल से मिलता है? आप पेरेंट्स को तो पता होगा, बट हम कह सकते हैं पालक, मेथी, हरी सब्जियों के लिए बोला जाता है कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हो सकता है कि बच्चों को ना पसंद हो, नहीं पसंद आता है कई बार, तो एज अ मदर आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप उसको धीरे धीरे उनको दे के उनका टेस्ट उसके लिए डेवलप करें और उसको अलग अलग तरीके से आप कुक कर सकते हैं, बनाकर पराठा है या अच्छी सब्जी पनीर के साथ उनको दे सकते हैं तो वो उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही विटामिन सी, विटामिन ए के लिए अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो मैंगो है, आम है, पपीता है, जो कि मैंगो तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ किंग ऑफ द फ्रूट्स। सारे जितने भी पीले फ्रूट्स होते हैं
वो अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो वाकई वो मज़े से खाएंगे भी सही और उनका विटामिन ए इंक्रीज होगा। अगेन सेम थिंग, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इम्यूनिटी, दैट इज विटामिन डी। अब विटामिन डी के बहुत सारे, अगेन मैं यही कहूँगी, कैप्सूल्स आते हैं, लोग कैप्सूल खाते हैं, बट जब हमारे पास प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, नेचुरल वे में हमें मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं उसको यूज़ करें। सनशाइन, सूर्य की जो किरणें हैं, अगर हम अर्ली मॉर्निंग की सूर्य किरणें लेते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर हम उस चीज़, तो मैं यही कह रही थी कि विटामिन डी हमें सनशाइन, ब्यूटीफुल लाइट, सनलाइट इज देयर टू हेल्प अस आउट इन गेटिंग द विटामिन डी इन नेचुरल वे। तो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग का सनलाइट लेते हैं तो उससे 15-20 मिनट्स का ही लेना है, 15 मिनट्स से ज़्यादा 20 मिनट्स, तो आपका बोन्स बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, बोन्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो उसी कड़ी में अगर हम रसोई की चीज़ों को लेते हैं जिनसे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सारे तत्व हैं जो हमको रोज खाने में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसमें सबसे पहले है लहसुन। लहसुन तो आप सबके घर में होता ही है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट विच कैन बी यूज विद द वेजिटेबल। बच्चा ऐसे कच्चा तो खाना पसंद नहीं करेगा, तो आप उसको वेजिटेबल में, सब्जी में थोड़ा थोड़ा डाल के दें, कच्चा नहीं खाता है तो उसमें डाल के दें तो उसको अच्छा लगेगा। सेम वे जिंजर, अदरक, चाय में अदरक हम डाल सकते हैं, बच्चों नहीं लेते हैं तो दूध में अदरक डाल के उसको उबाल के दे सकते हैं, और या अगर थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है तो फिर शहद और अदरक का पेस्ट जो होता है वो अगर देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग विच आई विल प्रेफर इज हल्दी। हल्दी थोड़ी थोड़ी अगर हम देते हैं किसी भी तरीके से, और सबसे बेस्ट अभी जो जगह है उसमें है हल्दी दूध। हल्दी दूध बच्चों को देना चाहिए, उससे उनका आदत में अगर आ जाता है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह की हैबिट्स अगर आप डेवलप करेंगे अपने बच्चों की, तो हो सकता है कि उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हुआ कि उनको कोई इन्फेक्शन नहीं पकड़ पाएगा। अब हम थोड़ी और आदतों की बात कर लेते हैं जो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है आज के वक्त के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले है हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, मास्क जो कि मैंने अभी शुरू में पहना हुआ था और अभी हटाया है, और कोशिश यही करें कि अगर बच्चा बाहर जाता है, बाहर की चीज़ें देता है, तो फिर बाहर ही प्रॉपर हैंड वॉश साबुन से ही कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर डिस्टेंसिंग और मास्क लगा सकता है तो उसकी हैबिट्स अभी डेवलप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि अगर आप बाहर जाते हैं तो सबसे दूर रहें, आप भी दूर रहें, आपको देख के आपका बच्चा भी दूर रहेगा सब लोगों से, तो उसमें हमें पता है कि इन्फेक्शन होना बहुत मुश्किल है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्सरसाइजेज, अगर हम अपने बच्चे को ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, की सांसों की एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं उनके लेवल की, तो वाकई उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा, वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे। सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मुझे बच्चों के लिए लगता है वो है बलून फुलाना, गुब्बारा फुलाना। आप सबके घर में या पास में कहीं पे भी गुब्बारा मिल जाएगा, और बड़ों की देखरेख में बच्चों को गुब्बारा फुलाएं तो उनके वाकई उनके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो अगर बड़े अपने बच्चों की देखरेख करते रहेंगे, उनकी डाइट का ध्यान रखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनके रोज के रूटीन का ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि बच्चों बहुत स्ट्रांग रहेंगे और उनको कोई इन्फेक्शन या जो भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनको कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।